हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज बुधवार सकाळ रो किछि ताजा खबर फटाफट देखिनियो। राज्य रे कोरोना रो गतकाली सुस्थ हेले 6,799 आक्रांत, खोर्धा जिला रो सर्वाधिक 1182। राज्य रे गतकाली कोरोना वायरस संक्रमण रो 6,799 जण आक्रांत सुस्थ होइछंती। एथिरे खोर्धा जिला रो 1182 जण अछंती। राज्य स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग पक्षरो ट्वीट जरिए एही सूचना दिया जायछि। एथि सहित राज्य रे कोरोना रो सुस्थ होइतिबा आक्रांतक संख्या 811,780 पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार कटक जिलूर गतकाली 699 जन आक्रांत सुस्थ होती। जाजपुर 486, मयूरभंज 480, पुरी 393, बालेश्वर 284, भद्रक 261, सुंदरगढ़ 241, जगतसिंहपुर 219, रायगढ़ 184, बौद्ध 179, नयागढ़ 177, कोरापुट 163, अनुगुल 169, बरगढ़ 119, मालकानगिरी 117, ढेंकानाल 109, कलाहांडी 100, संबलपुर 100, कंधमाल 87, बलांगीर 82, झारसुगुड़ा 72, गंजाम केन्दुझर 65, सुवर्णपुर 63, गजपति 36, नुआपड़ा 34, देवगढ़ 19 और राज्यपुल 207 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। परवर्ती केन्द्र सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति, टीकाकरण केन्द्र में सीधासलख पंजीकरण करी टीका नहीं पारे 18 वर्ष ऊर्ध व्यक्ति। टीकाकरण नहीं गतकाली केन्द्र सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं, एणिक 18 वर्ष अधिक व्यक्ति सीधासलख टीकाकरण केन्द्र को जा निज ना पंजीकरण करें। एहापर से ही टीकाकरण केन्द्र में टीका नहीं पारे। गतकाली केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यह सूचना देखते से कही पूर्वपरि ऑनलाइन रे पंजीकरण करिबा किंबा टीका नेबा पई पूर्वरु आउ समय नेबाकु पड़िबो नाही। ग्रामांचल समेत विभिन्न स्थान रे टीकाकरण रो गति मंथर हो जाइतिबारु सरकार एभली निष्पत्ति नेइछंती। एहा छोडा टीका नेबाकु अनेक अमंग हेउथबारु मध्य टीकाकरण पई एभली कोहळ नीति अवलंबन करिबाकु सरकार निष्पत्ति नेइछंती। ऑनलाइन पंजीकरण भरी समस्या पई अनेक लोक टीका नेइ पारु नाहंती। 18-44 वर्ष भितरे रहितिबा एक बड़ जनसंख्या को कम समय भितरे टीकाकरण करा जिबार आवश्यकता अच्छी बोली विशेषज्ञ माने जोर देउछंती। कारण टीका नेबा परे ही कोरोना को रोका जाई पारिबो ओ एथिसह अर्थनीति पुणी आगो को बढ़िबो। परवर्ती टियाला राजधानी रे कमुछि संक्रमण, गतकाली चिन्हट हेले 399 जन कोरोना आक्रांत। गतकाली राजधानी 399 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइथिबा भुवनेश्वर महानगर निगम ट्वीट करि सूचना देइछि। तेबे गतकाली रो चिन्हट आक्रांत संख्या को देखिबाकु गले संक्रमण धीरे धीरे कमुथुबा कुहा जाउछि। गतकाली चिन्हट होइथिबा 399 कोरोना आक्रांतक मध्यरो क्वारंटाइन केन्द्ररो 51 जन थिबा बले स्थानीय अंचलरो 338 जन अछंती। गतकाली चिन्हट होइथिबा नुवा आक्रांतक मिसाइले एजाबत आक्रांतक संख्या 84,836 रे पहुंचेछि। सेहिपरि कोरोना सक्रिय मामला 3,461 रहिछि। परवर्ती टियाला नुवा मंत्रिमंडल संप्रसारण नै एही सबु राज्यर सांसद मानंकु भेटिले गृहमंत्री अमित शाह। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी रो किछि सांसदंक सह बैठक करिछंती। आउ एही बैठक परे मंत्रिमंडल संप्रसारण नै चर्चा जोर धरिछि। सूचना योग्य जे गत 5 दिन धरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्य किछि मंत्री ओ बीजेपी सभापति जेपी नड्डांक सह लगातार बैठक करुछंती। शनिवार एवं रविवार दिन शाह तांको बासभवन रे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एवं अन्यान्य राज्यर सांसद मानंकु भेटिथिले। प्राय 30 सांसद एवं किछि मंत्री तांको बासभवन रे पहुंचिथिबा कुहा जाउछि। कोविड-19 रो द्वितीय लहरी कमिबा परे पुणी बैठक आरंभ होईछि बोली सूत्ररु जणा पडिछि। एतर सांसद मानंक संसदीय स्थिति, कोविड परिचालना एवं कोरोना महामारी समय सेमानंक प्रदर्शन एवं लोकंक अभियोग उपरे एही बैठक रे आलोचना होईथिला। परवर्ती टीहेला कोहळ हेला आयकर ई फाइलिंग, नुआ पोर्टल रे वैषयिक समस्या। आयकर विभाग रो नुआ पोर्टल रे टिकस पैठ करिबाने टिकस दाता माने समस्या सामना करुछंती। एही पोर्टल रे थिबा वैषयिक त्रुटि जोगु ठीक भाबे आयकर को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रे पैठ करि हेउ नाही। एहा जानिबा परे आयकर ई पैठ को केन्द्र सरकार गतकाली कोहळ करिछंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गतकाली एने सूचना देइछंती। आयकर नियम 1961
अनुजाई फर्म 15CA बा 15CV को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रे दाखल करबा को पड़िबो। किंतु टिकसदाता माने नुवा पोर्टल www.incometax.gov.in रे एही फर्म अपलोड करि पारु नाहंती। एही समस्या को नजर रखी स्वीकृति प्राप्त डीलर मानक निकट रे मैनुअल उपाय रे एही फर्म गुडी को दाखल करबा लागि टिकसदाता मानक कुहा जायछि। सेति पई सेमानक को जून 30 पर्यंत समय दिया जायछि। परवर्ती टीला भारत को मिलिजिव चतुर्थ कोविड टीका जाइकोव डी पई अनुमति लोडिबो जाइडस काडिला। भारतर अन्यतम भेषज कंपनी अहमदाबाद स्थित जाइडस काडिला द्वारा विकसित जाइकोव डी नामक कोविड टीकार सार्वजनीन व्यवहार पई कंपनी आवेदन करिबो। एहाकु अनुमोदन मिलिगले एहा विश्वर डीएनए प्लाज्मिड ज्ञान कौशल उपरे पर्यवसित प्रथम कोविड टीकार मान्यता रखिबो। एहा मध्य भारतर प्रथम टीका भाबे 12 वर्षरु अधिक वयस्क मानकु प्रदान करा जाय पारिबो, कारण सेही वर्गर स्वेच्छासेविंक ठारे एही टीकार नैदानिक परीक्षण करा जायछि। देशरे अधुना कोविशील्ड कोभाक्सिन ओ स्पुटनिक वी टीकार व्यवहार चालू रहिथिबा बेले जाइकोव डी चतुर्थ टीका भाबे गण टीकाकरण रे शामिल हेबो बोली आशा करा जाउछि। एही टीकार तृतीय पर्याय नैदानिक परीक्षण फलाफल विश्लेषण प्राय सरी एवं कंपनी तुरंत टीकार सार्वजनीन व्यवहार निमित्त आवश्यक अनुमति हासिल पई आवेदन करिवो बोली जने सरकारी अधिकारी कहिछन्ति। परवर्ती टीला कोरोना संक्रमण कमिबा परे हॉस्पिटल उपरु भी चाप कमिबारे लागिछि। कोरोना संक्रमण को कमिबा परे हॉस्पिटल उपरु भी चाप कमिबारे लागिछि। एहा एक भल संकेत बोली कुहा जाउछि। एने स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र सूचना देइछन्ती। कहिछन्ती हॉस्पिटल उपरु धीरे धीरे चाप कमुछि। सज्जा वर्तमान पर्याप्त परिमाण रे अछि। आईसीयू ओ वेंटिलेटर रे एबे 56% रोगी अछन्ती। साधारण बेड रे यूटिलाइजेशन बहुत कमिछि। जेउठी अधिक पॉजिटिव बाहरुछन्ती सेठारे सर्वेलांस करा जाउछि। अधिक टेस्ट करी आइसोलेट करा जाउछि। पॉजिटिव हार अधिक थिबा जिला रे मध्य समान प्रणाली प्रयोग करा जाउछि। टेस्टिंग ट्रैकिंग आइसोलेशन सह घर को घर बुली सर्वे करा जाउछि। परवर्ती टी हला नकली औषधर लंबा चेर केउठु तदंत आरंभ करिवो क्राइम ब्रांच। हिमाचल प्रदेश लेखा थिले भी औषध कंपनी रो मिलुनी प्रकृत ठिकणा। राज्य रे नकली मेडिसिन कारोबार रो गुमर खोलिबा पई एक्शन मोड रे आसी जायछि क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच एसटीएफ रो स्वतंत्र टीम एनी तदंत आरंभ करिवो। तेबे तदंत केउठु आरंभ हेबो ताहा निश्चित रूपे क्राइम ब्रांच पे ए तो चैलेंज सृष्टि करिवो। प्राथमिक भाबे तदंत कटक कनिका छकर होलसेल गोदाम ओ औषध कारोबार करितिबा मालिक निकट रो ही आरंभ हेबो बोली आशा करा जाउछि। औषध कारोबार रो चेर राज्य बाहर को जाइतिबा संदेह अधिक होइछि। आवश्यक पड़िले क्राइम ब्रांच टीम राज्य बाहर को जिबा को प्रस्तुत हेउछि। नकली औषध कारोबार रे लोकक जीवन सह खेलिथिबा मास्टरमाइंड को चिन्हट करा जिवो। केउठो केते औषध आसीछि केते बिक्री होइछि। राज्य रे नकली औषध कारोबार रो गुमर खोलिबा पई क्राइम ब्रांच तदंत करिवो बोली मुख्यमंत्री को घोषणा परे आरंभ होइ जाइछि तनाघना। परवर्ती टी हला रेल स्टेशन रे टिकट बुकिंग कले ग्राहकक मिलिबो छाड़। जानंतु कोन रहिछि रेल विभाग रो ऑफर। पूर्व वर्ष कोरोना महामारी कारण रो देश रे रेल सेवा को बंद कर दिया जाइथिला। कोरोना संक्रमण प्रथम लहर थमिबा परे धीरे धीरे किछि रेल चलाचल पई अनुमति मिलिथिला। मात्र किछि दिन एही रेल चलाचल करिबा मध्य रे देश रे आरंभ होइ जाइथिला कोरोना संक्रमण रो द्वितीय लहर। पूर्ण थरे सरकार किछि ट्रेन चलाचल उपरे रोक लगाइथिले। एबे कोरोना संक्रमण कमिबा परे पूर्ण रेल चलाचल स्वाभाविक हेबाकु जाउछि। एहारी मध्य रे ट्रेन रे यात्रा करथुबा लोकक पई मंत्रालय एक खुशी खबर आनिछि। रेल मंत्रालय स्टेशन रो जेउ यात्री यूपीआई ओ भीम आप जरिए रे टिकट करिवे सेमानकु टिकट मूल्य रो किछि टंका छाड़ करा जिवो बोली सूचना देइछन्ति रेल मंत्रालय। मंत्रालय रो सूचना मुताबक जेउ यात्री स्टेशन रो एही आप जरिए रे टंका पैठ करी टिकट किणिवे सेमानकु टिकट रो मूल दाम उपरे 5% छाड़ मिलिबो। परवर्ती टी हला एणी कि सुविधा रे लोक माने पाई परबे मेडिसिन। भारत रे प्रथम थर पई आरंभ हेबो मेडिकल ड्रोन डिलीवरी। दूर हेबो स्वास्थ्य जनित समस्या एणी कि घरे घरे पहुचिबो मेडिसिन। आउ एही मेडिसिन पहुचिबो ड्रोन माध्यम रे सहज आउ सुविधा रे एणी कि लोक माने पाई परबे एही सेवा। भारत रे प्रथम थर पई आरंभ हेबो मेडिकल ड्रोन डिलीवरी। आउ एही ड्रोन रो ना हेउछि बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट।
ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହି ସେବାର ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥ୍ରୋଟଲ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। କମ୍ପାନୀକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ମେଡିସିନ୍ ଡେଲିଭରି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ କମ୍ପାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୌରୀ ବିଦନୁରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରାଏଲ 30ରୁ 45 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଇସ୍ରୋରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପବିତ୍ର ମୋହନ ନାୟକ। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପବିତ୍ର ମୋହନ ନାୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଆଜି ସେ ଏହି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ। ନିଜ ସଫଳତା ଶ୍ରେୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ନାୟକ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ଆଳତୁମା ଗାଁର ଧବଳେଶ୍ୱର ନାୟକ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମୋହନ ନାୟକ। ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ। ଛୋଟବେଳୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ପବିତ୍ର ଦିନେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେରଳର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମେରିଟ୍ ଚୟନ ଆବେଦନରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ପବିତ୍ର। ଇସ୍ରୋ ଡାକରା ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ, ଯାହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଟିକା ନେଉନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଟିକା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟିକା ନେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଡାକିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ବଦାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଟିକାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ଟିକାକୁ ନେଇ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଟିକା ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ସେମାନଙ୍କ ଏକା ଜିତ୍, ଆମେ ଏମିତି ମରିବୁ ପଛେ ଟିକା ନେଇ ମରିବୁନି, ଟିକା ନେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆମେ ମଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।